Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. WrestleMania Backlash से पहले Smackdown का आखिरी एपिसोड और भाई आज तो Cesaro इतने strong दिखाई दिए कि Roman Reigns को भागना पड़ गया, family dispute और भी ज़्यादा बढ़ गया, नए champions हमको देखने को मिले, इसके अलावा शो के ऊपर था नया king, तो पूरे शो के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसा Smackdown का एपिसोड था और हाँ आज WrestleMania Backlash की prediction वीडियो भी आ रही दिन में, तो उसके लिए stay tuned रहना, बाकी वीडियो से आप लोग चिपके रहो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। अब सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो जे उसो के साथ देखने को मिलती है जो कि रिंग में होते हैं, वो बताते हैं कि कैसे वो राइट हैंड मैन है, ये वो सारी बातें वो बोलते हैं और एंड में वो इंट्रोड्यूस करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और वो कहते हैं सबसे पहले चलो Cesaro के बारे में बात कर ली जाए। वो कहते हैं Cesaro अपने आप में अच्छा एथलीट होगा, कितना भी बढ़िया कर सकता है, कुछ भी वो करे, लेकिन भाई जो मैं पोजीशन होल्ड करता हूँ वो अलग है, मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ और भाई तुम ये सिर्फ सपने ही बुन सकते हो, Cesaro का कोई चांस नहीं है मेरे को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में हराने का। अब रोमन रेंस का मुद्दा होता है जिमी ऊसो का, जिमी ऊसो के बारे में वो बात कर रहे होते हैं, इतने में जिमी ऊसो आ जाते हैं और भाई जिमी ऊसो ने जो टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था नो बडीज बिच, यानी कि वो जे उसो की तरह नहीं, और बता रहे होते कि भाई तू राइट हैंड मैन है लेकिन मैं देख मैं किसी की नहीं सुनता, और वो रोमन से ये कहते हैं कि भाई तू हेड ऑफ द टेबल कैसे हो गया, तू फैमिली का एक पार्ट है, पूरी फैमिली का तू कोई नेता नहीं है। वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर हम चैंपियनशिप जीते मिलकर तो हम भी कुछ कमाल कर सकते हैं, ये वो सारी बातें बोल रहे होते हैं और उनको तो ये भी डाउट होता है कि क्या Cesaro वाकई में हरा भी पाएंगे, मतलब Cesaro से क्या वाकई में रोमन रेंस जीत भी पाएंगे जो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। रोमन रेंस कहते हैं भाई तू बात क्या कर रहा है, मतलब तेरी पोजीशन कभी भी वो हो ही नहीं सकती जो मैं होल्ड करता हूँ, मैं 5 बार WrestleMania को मेन इवेंट कर चुका हूँ, इतनी बार मैं चैंपियनशिप जीत चुका हूँ और कहाँ तू अपनी बात कर रहा है। अब ऐसा कहते कहते यहाँ पर जो है मामला थोड़ा सा गर्म होने लग जाता है और रोमन रेंस जब पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है सच में कि हाँ भैया मैं हरा नहीं सकता, तो जे उसको कहते भाई नहीं, जिमी उसको कहते कि मुझे नहीं लगता भाई तू Cesaro को हरा सकता है, तो रोमन कहते अच्छा ऐसा लगता है तो भाई तू मेरी तरफ से काम कर ले, तू डिफेंड कर ले मेरी चैंपियनशिप। वो कहते डिफेंड क्यों करनी है, सिंपली आज तू मैच कर ले Cesaro से, बता दे कि तू कर सकता है फिर नहीं। अब ऐसा कहते ही जिमी उसको भाई बहुत कूल लग रहे थे, रोमन रेंस को उन्होंने इरिटेट कर दिया था, Cesaro को वो कहते हैं भाई मुझे पता है तुम कहीं बैकस्टेज ही होगे, मैंने तुमको चैलेंज थ्रो कर दिया है। Cesaro आते हैं और वो चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और आज मेन इवेंट के लिए Cesaro वर्सेस जिमी उसको का एक सिंगल्स मैच ऑफिशियल हो जाता है। तो कमाल है भाई रोमन रेंस, ये जो स्टोरी लाइन चल रही है, हम एक तरफ Cesaro के ऊपर फोकस करें, एक तरफ ये फैमिली डिस्प्यूट पर फोकस करें, एक स्टोरी लाइन में दो स्टोरी लाइन, भाई ये तो दोनों हाथ में लड्डू वाला सीन हो गया। और इनके जो प्रोमोज होते हैं जो भाई जे उसो रोमन रेंस जिमी उसो तीनों ही बहुत कमाल के, जिमी उसो और भी ज़्यादा मेरे को इंप्रेसिव लग रहे हैं इस वजह से कि बहुत टाइम से वो दिख नहीं रहते हैं जो भी रीज़न है, लेकिन भाई ये जो ओपनर था, ये जो पूरी सीन बैठा शुरुआत में उसको देखने में काफ़ी मज़ा आया। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है शो के ऊपर एक टाइटल चेंज जिसके बारे में पर्सनली मैं इतना ज़्यादा केयर नहीं करता, क्योंकि 36 बार नया जैक शेना बेजलर तमीना नटालिया का मैच आपस में, कभी सिंगल्स मैच कभी टैग टीम मैच, ये सब चलता रहता है, लेकिन आज WWE जिस तरीके से एडवर्टाइज कर रही थी कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसे ऐसे मुझे समझ गया था कि भैया यहाँ पर होने वाला टाइटल चेंज और तमीना नटालिया यहां पर नाया जैक्स को हराकर, नाया जैक्स और शेना बेजलर को हराकर बन चुकी है नई विमेंस टैग टीम चैंपियन। मैच के बाद वो इमोशनल लगती है थोड़ा सा फैंस में ओवर करने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है सच में विमेंस डिवीजन का यहां पर कुछ खास होने वाला है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं अपोलो क्रूज जो कि मेडल ऑफ ऑनर की सेरेमनी कर रहे होते हैं कमांडर अजीज के लिए, क्योंकि वो उनके काफी अजीज हैं, तो वो कह रहे होते हैं भाई हम बैक इन बिजनेस आ गए, चैंपियन में दोबारा से बन चुका हूं, तो भाई तू भी डिजर्व करता है। लेकिन इसको स्पॉइल करने के लिए बाकी 3 सुपरस्टार तैयार थे, बिगी हमको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलते हैं, सैमी जेन भी आ जाते हैं और अपोलो, जब हमको ये देखने को मिला कि केविन ओवंस आते हैं तो भाई यहां पर सारी ब्रॉल छिड़ जाती है, ऐसा लग रहा था कि शायद बिगी और केविन ओवंस सेम पेज के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन केविन ओवंस से अटैक हो गया भाई धोखे से सबके ऊपर, उन्होंने सुपर किक लगा दी और हमको एंड में देखने को मिलता है कि जो बिगी हैं उन्होंने बिग एंडिंग लगा दी और उसके बाद उनका पीछा जो है अपोलो क्रूज के लिए भी होता है, लेकिन कमांडर अजीज जो एक बार फिर से मदद कर देते हैं अपोलो क्रूज की। अब मुझे लग रहा था WrestleMania बैकलैश के अंदर इनका मैच होने वाला है, लेकिन WWE ने नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए फेटल 4-वे मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कर दिया ऑफिशियल। ये एक और ऐसी स्टोरी लाइन है जिसको शायद फैंस इतना ज्यादा रेट नहीं कर रहे, अंडररेटेड स्टोरी लाइन मैं इसको बोलूंगा स्मैकडाउन के ऊपर, लेकिन भाई इसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जिस तरीके से 4 सुपरस्टार्स के अपने अपने अलग अलग रीजन है भागने के लिए चैंपियनशिप के पीछे, अपोलो क्रूज का नया करेक्टर, तो भाई इसको देखने में काफी मजा आएगा और देखते हैं नेक्स्ट वीक जब मैच होगा फेटल 4-वे तो वहां पर हमको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैच आता है मिस्टीरियो वर्सेस जिगलर के बीच में, क्योंकि WrestleMania बैकलैश में का टैग टीम मैच होने वाला है चैंपियनशिप्स के लिए, अभी इसीलिए था इसको हाइप करने के लिए, अच्छा मैच था यहाँ पर मिस्टीरियो में, तो भाई हाई फ्लाइंग मूव्स आपको यहाँ पर देखने को ही मिलेंगे। और बाकी रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर मिस्टीरियो ने हरा दिया है जिगलर को और इस बात के लिए टॉन्ट भी किया जा रहा होता है डोमिनिको की, भाई तो बच्चा है तो मिस्टीरियो का सिर्फ बेबी है, तो डोमिनिक बैकस्टेज ये कहते हैं कि भाई यही बेबी तुमको हराने वाला है और जीतने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप। तो देखते हैं अब WrestleMania बैकलैश के अंदर क्या होता है, लेकिन जो मिस्टीरियोज की जो है ना डुओ, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है।
इसके बाद हमको बयान कबलेट देखने को मिलती है रिंग में। ये मुझे थोड़ा बकवास फीका सा सेगमेंट लगा, क्योंकि इस मैच को हाइप करने के लिए तुम सैटेलाइट के थ्रू बेली से बात करवा रहे हो, मतलब कुछ नहीं था यहाँ पर। जैसे ही अपने अपने थॉट्स रख रहे हैं कि हाँ भाई हम जीतेंगे एंड दैट्स इट, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ था नहीं। इसके बाद कैसे हमको बड़ा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच में। अब वैसे होने को किसी और स्मैकडाउन के एपिसोड में मैच मेरे लिए 100% बोरिंग होगा, चाहे मैच कितना ही अच्छा हो, क्योंकि ये कोई बिना सेंस के, मतलब ऐसे कुछ भी चलता रहता है। नाकामुरा कॉर्बिन कभी भी किसी से भी लड़ते रहते हैं, लेकिन चलो रिजल्ट तो यहाँ पर ऐसा नहीं, रिजल्ट भी अजीब था भाई। बैरन कॉर्बिन पिन कर रहे हैं, नाकामुरा टैप आउट कर रहे हैं, पता नहीं मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा था। नाकामुरा खुद सबमिशन लगा रहे हैं तो वो ऐसा टैप आउट जैसा क्यों कर रहे हैं, वो छुड़ाने की कोशिश थी या क्या था। लेकिन जो भी है, कॉर्बिन इस मैच को जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद वो अपना क्राउन पॉलिश करके जो लाए होते हैं उसको पहन रहे होते हैं। नाकामुरा आए, पीछे से उन्होंने किनशासा लगाया और गाइस उसके बाद उन्होंने उसी क्राउन को पकड़ के अपने सर पर रख दिया, और वो उनके पुराने वाले दिनों की याद आई जब वो ऐसे वो वाला क्राउन पहन कर आते थे। तो पता नहीं ये क्या चल रहा है, नया किंग क्या शिंसुके नाकामुरा बन चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। ये कोई नॉर्मल मैच नहीं था, कुछ यहाँ पर हो सकता है WWE के इंटरेस्टिंग प्लान्स हों। और वैसे भी नाकामुरा को तो सभी लोग देखना चाहते हैं कुछ अच्छा करते हुए, तो देखते हैं आने वाले हफ्तों में इनके लिए क्या इंटरेस्टिंग प्लान है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिस्टर ब्लैक की। तो लास्ट वीक तो रेट्रो स्मैकडाउन की वजह से एलिस्टर ब्लैक को जगह नहीं मिली थी, लेकिन आज वो बता रहे हैं कि कैसे बाकी लोग धूल मिट्टी से बने हैं, वो स्टील से बने हुए, मतलब वही उनके जो दादा नाना वाले कहानियां वही हमको सुना रहे हैं। सही कह रहा हूँ, इनको समझ पाना मुश्किल है, इसको डीकोड कर पाना मुश्किल है कि एग्जैक्टली वो कह क्या रहे हैं, लेकिन शायद जब उनका कैरेक्टर का हमको डेब्यू देखने को मिलेगा, रीपैकेज जिस तरीके से उनको कर रहे हैं, तब शायद हमको थिंग्स जो है सही समझ में आएंगे। लेकिन एटलीस्ट आज वो टेलीविजन के ऊपर थे, उनका विनियट दिखाया, वो मेरे को एटलीस्ट एक सही बात लगी। बाकी बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर जिमी उसो वर्सेस सेसारो का मैच था। इसको लगभग 15 मिनट के आसपास का इस मैच को टाइम दिया गया था, जो कि मेरे ख्याल से काफी परफेक्ट था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा भाई, जिमी उसो इतने टाइम के बाद आज रेसल कर रहे हैं, मतलब पिछले साल रेसलमेनिया में रेसल करने के बाद सीधा आज वो ऐसे आ रहे हैं, तो उनके लिए सीधा मेन इवेंट के अंदर लड़ना मतलब एक बड़ा टास्क था। एक जगह मेरे को लगा कि हाँ उनको वो पुराने वाले क्राउड की आदत था, क्योंकि जब आपको पता नहीं कॉर्नर से जाकर जिमी एंड जे उसो ऊ करते हैं तो वहाँ से क्राउड से सो का साउंड आता था, लेकिन वो हमको जो है सुनने को नहीं मिला। तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ जिमी उसो को अभी ऐसे थंडरडोम में रेसल करने की आदत नहीं है। लेकिन मैच की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, बट क्वालिटी में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई, क्योंकि रोमन रेंस ने अटैक कर दिया सेसारो के ऊपर। जिमी उसो बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं, वो कहते हैं भाई तू पागल है, क्या कर रहा है, मेरा मैच चल रहा है, क्या मतलब क्या है सब। इतने में क्या होता है, जिमी उसो वहाँ से चलने लगते हैं और रोमन रेंस कहते हैं अरे अरे भाई कहाँ जा रहा है। वो कहते हैं भाई तेरा मैच क्या मैटर करता है, मनी मैच तो मेरा और सेसारो का होने वाला है, तू हार भी गया या डिस्क्वालिफिकेशन हो भी गया, जो भी हो गया तुझे इससे क्या दिक्कत है। जिमी उसो मारने को तैयार नहीं है, रोमन रेंस हैं, जिमी उसो लड़ रहे हैं, मतलब आर्ग्यू कर रहे हैं रैंप पर। उतने में सेसारो ने जे उसो को रिंग में पेलना शुरू कर दिया। अब रोमन रेंस कहते हैं अरे भाई मेरा कजिन पिट रहा है, मेरा राइट हैंड मैन पिट रहा है, इसको जाके बचाना तो है ही। वो जाते हैं लेकिन भाई उनका भी जो है फिरान शुरू कर दिया यहाँ पर सेसारो ने, अगेन वो न्यूट्रलाइज लगाने की कोशिश करते हैं। जे उसो ने बचाया, लेकिन जिमी उसो भी एप्रन पर ही चढ़े होते हैं, रिंग में नहीं आए होते, उनको जो है सेसारो मार के भगा देते हैं। और उसके बाद रिंग में बचे होते हैं जे उसो एंड रोमन रेंस, और जे उसो की पिटाई हुई और रोमन रेंस वहां से भाग खड़े हुए। भाई मतलब ये भाई तुम्हारी फैमिली है यार, मतलब ये बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है अजीब सी बुकिंग लगेगी कि रोमन रेंस भाग क्यों गए, लेकिन ये मेरे को भी सच में इसके पीछे रीजन नहीं समझ में आ रहा। आई थिंक ये इसलिए हो रहा है कि सेसारो को बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाना है, बिलीवेबल लगे कि रेसलमेनिया बैकलैश में, और भाई बिलीवेबल अब बहुत सारे लोगों को लगने भी लगा होगा बिल्कुल जिस तरीके से आज उनकी बुकिंग हुई है। दो न्यूट्रलाइजर बिल्कुल सामने रोमन रेंस के लगा रहे होते हैं कि न्यूट्रलाइजर लगाने की पोजिशन में रोक के कह रहे राजा आजा भाई अभी भी मौका है, लेकिन जो है रोमन रेंस वहीं पर खड़े होते हैं और उनके स्पेशल काउंसिल हैं वो उनको रोक के रखे होते हैं, मतलब रोक के रखे होते हैं। रोमन रेंस वैसे खुद ही वहां से भागे होते हैं और उसके बाद वो सारे नजारे देख रहे होते हैं और उसके बाद ये ट्रैश टॉक करते हैं और स्मैकडाउन जो है ऑफ एयर चली जाती है। तो भाई सेसारो जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, डेफिनेटली रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर मैच देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, रेसलमेनिया बैकलैश प्रेडिक्शन की वीडियो आ रही है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।